निगरानी विभाग ने बोधगया में तैनात बीएमपी के डीएसपी विनोद कुमार राउत के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे बीके राउत के रिटायरमेंट के एक दिन पहले मारे गए हैं। पटना के दिनकर गोलंबर स्थित घर पर कार्रवाई के दौरान 60,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही इस घर से 200 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। निगरानी विभाग की टीम के हाथ यहां से 16 लाख रुपए के जेवरात के कागजात और 2 बैंक लॉकर की जानकारी मिली है। बीके राउत के पास से गाड़ियों के साथ ही जमीन के कई कागजात और बैंक डिटेल भी मिले हैं। निगरानी विभाग के डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि विनोद कुमार राउत के खिलाफ 2017 से ही जांच चल रही है। इसी सिलसिले में उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दिनकर गोलंबर के साथ ही पटना के राजा बाजार पिलर संख्या 15 के पास फ्लैट तक टीम जांच करने पहुंची। इसके अलावा बोधगया स्थित कार्यालय में भी छापेमारी की गई। राजीव कुमार ने बताया कि 37 लाख के गबन के मामले में 2017 से विनोद कुमार राउत के खिलाफ जांच चल रही थी। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर छापेमारी की गई है। प्लस उसके अलावा बिल मिले हैं जेवरात के 12-14 लाख। ये कौन है आवेदक, कौन है सर, कैसे सूचना मिली? आवेदक का तो अभी नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जांचकर्ता थे उनके द्वारा जांच करने को प्राप्त हुआ कि आय से 37 लाख अधिक संपत्ति का मामला है, जिसके आलोक में FIR दर्ज करके ये कार्रवाई शुरू। कब हुई थी ये जांच? 2017 से चल रही है। 17 से मैं राजीव कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक निगरानी में। डीएसपी विनोद कुमार राउत के घर से दिल्ली स्थित एक दुकान के कागजात मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये कागजात उनके किसी रिश्तेदार के नाम से हैं। निगरानी विभाग की टीम की माने तो आय से 37 लाख रुपए ज्यादा की संपत्ति मिली है। ऐसे में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गया में पदस्थापित डीएसपी बीके राउत के घर पे अभी निगरानी विभाग की छापे पड़ रही है। उन पर 37 लाख रुपए का जो आरोप लगा है, आय से ज़्यादा संपत्ति का भी मामला दर्ज किया गया है। पटना में आप देख रहे हैं कि यह बीके राउत का घर है और यहाँ पे अभी अंदर निगरानी विभाग के छापे पड़ रहे हैं। हालांकि पटना स्थित राजा बाजार में भी इनके निवास पर छापेमारी के काम जो है चल रही है। गया में इनके कार्यालय है, वहाँ भी छापेमारी के काम चल रही है। अब तक इनके घर से 16 कागजात 16 लाख रुपए के मिले हैं, जो जमीन से संबंधित है 14 लाख रुपए के लगभग गहने भी प्राप्त हुए हैं। और दिल्ली स्थित दुकान में जो इनके रिश्तेदार के नाम से जो कागजात है वह भी है। हालांकि यहां पर निगरानी विभाग के जो अधिकारी हैं राजीव कुमार सिंह, उनका कहना है कि इनके बारे में आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था, उसी को लेकर आज पटना में इनके जो निवास हैं राजा बाजार और राजेंद्र नगर दिनकर गोलंबर के पास, वहां छापेमारी की जा रही है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।